Bismillahir Raman Rahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss the theory of Ferdinand de Socio, long and parole, signifier and signified. Yes, what we are going to discuss, Long and Parole, Signifier and Signified. First, we see the introduction about Ferdinand de Saussure. He was born in 26 November 1857 and died in 22 February 1913. He was a Swiss linguist and semiotician. His ideas laid a foundation for many significant developments both in linguistics and semiology in the 20th century. Ferdinand de Sosio is known as the father of modern linguistics. Ferdinand de Sosio belonged to Geneva. Switzerland, Swiss linguist whose ideas on structure and language led the foundation for much of the approach and progress of linguistic science in the 20th century. Notable works Memoir, Surleigh System primitive Des, Wallace, danceless longs indo-european subjects of study linguistics structural linguistics indo-european languages long and Parole. first we see about language

उसमें हमारे पास फोनेटिक्स है फोनोलॉजी है उसमें हमारे पास मॉर्फोलॉजी है मॉर्फोलॉजी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हाउ वर्ड्स आर फॉर्मड कि वर्ड्स को कैसे फॉर्म किया जाता है सिंटेक्सट सिंटेक्स सिंटेक्स से मुराद ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस हाउ सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड कि सेंटेंसेस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है सिंटेक्स में हम ये स्टडी करते हैं प्रैगमैटिक्स है प्रैगमैटिक्स मींस कंटेक्सचुअल मीनिंग्स यानी हमने किसी वर्ड को कंटेक्सट में किस तरह से इस्तेमाल किया है समैंटिक्स वर्ड्स रिलेशनशिप यानी वर्ड्स का मीनिंग कन्वे करने के लिए क्या रिलेशनशिप है आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट हमारे पास लैंग्वेज है देन लॉन्ग है दैन फ्रल है और लैंग में हम लैंग्वेज की बात करते हैं और फ्रॉल में हम लैंग्वेज परफॉर्मेंस की बात करते हैं वट इज़ द स्ट्रक्चर वट आर द आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज वन इज़ लॉन्ग सेकेंड इज़ फॉर ऑल लॉन्ग में हम लैंग्वेज की बात करते हैं और फर में हम लैंग्वेज परफॉर्मेंस की बात करते हैं लैंग्वेज इज द सिस्टम्स ऑफ सिस्टम लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर्ड जब हम ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड है तो स्ट्रक्चर से मुराद ये क्या है कि एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड एच ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर कि जितने भी एलिमेंट होते हैं लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड वन एंड अदर सब का एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन है और जब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है तो फिर इसमें हमारे पास क्या चीज़ें होंगी फोनोलॉजिकल होगा मॉर्फोलॉजिकल होगा सिंटैक्टिक होगा फोनोलॉजिकल में हम देखेंगे कि साउंड्स को देखेंगे फिर मॉर्फोलॉजिकल में हम वर्ड्स और वर्ड की जो क्लासेस हैं एलिमेंट्स ऑफ साउंड्स, वर्ड क्लासेस आर इंटर रिलेटेड ये हम सेंटेक्ट में देखेंगे लैंग्वेज सिस्टम ऑफ लैंग्वेज द होल सम ऑफ द लैंग्वेजेस दैट आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड लोंग लॉन्ग से क्या मुराद है अ स्पेसिफिक लैंग्वेज लाइक उर्दू इंग्लिश पर्शियन फ्रेंच एटसेट्रा लोंग में हम क्या है किसी खास लैंग्वेज को लेते हैं फेरऑल द यूज ऑफ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज बाय अ पर्सन इन हीज ओन वे कि कोई भी पर्सन उस लैंग्वेज को खास वे से किस तरह से इस्तेमाल करता है वो फड़ॉल में आता है फड़ॉल एज अ सोशल आस्पेक्ट इट इज कंसर्न्ड विद द लैंग्वेज यूज इन सोशल सिचुएशन इट हैज सम सिस्टमैटिक एंड प्रिडिक्टेबल फीचर्स इन सोशल सिचुएशंस। It has effect on long, gives a useful insight into a language process. It can obtain the data, gives better understanding for long. It is now easy to study through recording, audio, video devices. Parole ka jo taluk hai, wo long hai. यानी हम किसी ख़ास सिचुएशन में जब लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम किस तरह की वर्डिंग जो है वो यूज़ करते हैं दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ फेरॉल ये सब फेरॉल का पार्ट है क्योंकि ये एक सोशल आस्पेक्ट से हम इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग वर्सेज फेरॉल लॉन्ग क्या है ये लैंग्वेज सिस्टम है हर ऑल क्या है लैंग्वेज बिहेवियर है लॉन्ग में हम क्या देखते हैं कंसिस्ट ऑफ स्टेबल कन्वेंशंस रूल्स एंड कोड्स ये सब हम किस में देखते हैं लोंग में देखते हैं कि लोंग में क्या होते हैं ये लॉन्ग जो है वो स्टेबल होती है उसमें कन्वेंशंस होती हैं उसमें रूल्स होते हैं और उसमें हमारे पास कोड्स होते हैं जबकि फ्रॉल में क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस होती है अनप्रिडिकटल होती है हाइट्रोजिनस है विम्सिकल है विम्सिकल का मतलब है कैप्रीशियस है वेरिएबल है यानी इसमें कोई चीज़ हमारे पास डिसाइडेड नहीं होती है जैसे हमारे पास लॉन्ग में होती है ये अनप्रिडिक्टेबल है लॉन्ग वर्स इज फर ऑल लॉन्ग क्या है द एब्स्ट्रैक्ट सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशनस ऑफ लैंग्वेज ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं फर ऑल क्या है द कंक्रीट यूज ऑफ लैंग्वेज द एक्चुअल अट्रेंसेस कि हमने जो बात की है हमने उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है फिर लॉन्ग है द इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉर्म्स दैट प्रिस एंड मेक स्पीच पॉसिबल द यूसेज ऑफ द सिस्टम फॉर ऑल में क्या होता है कि हम उस सिस्टम को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल यूजर कि इंडिविजुअल यूज़र से ये इंडिपेंडेंट होता है इसको हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग इज़ रिवील्ड थ्रू द स्टडी ऑफ ऑल अब देखें लॉन्ग में क्यों ये इंडिपेंडेंट है इंडिविजुअल यूज़र से क्योंकि इसमें जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को वायोलेट नहीं किया जा सकता जो लैंग्वेज के रूल्स हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनसे आप डाइवर्ट नहीं हो सकते हैं देन देर इज अगेन लॉन्ग एंड फॉर ऑल लॉन्ग में हम क्या चीज़ देखते हैं कि रिलेशंस सिमेंटिक एंड सिंटैक्टिक लेकिन फॉर ऑल में हम क्या देखते हैं रिलेशंस प्रैग्मेटिक एंड प्रैग्मेटिक यानी हमने किसी लैंग्वेज को एक ख़ास सिचुएशन में किस तरह इस्तेमाल किया है और उस ख़ास सिचुएशन का किसी और ख़ास सिचुएशन के साथ यानी सोशल कंटेक्सट प्रेगमेटिक का मतलब होता है सोशल कंटेक्स सोशल कन्टेक्स क्या होते हैं कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन होती है उस सोसाइटी में तो उसका दूसरी जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके साथ क्या लिंक है फिर लॉन्ग में हम क्या स्टडी करते हैं टेक्स्ट होती हैं और अदर टेक्स्ट होती हैं एक टेक्स्ट का दूसरी टेक्स्ट के साथ क्या रिलेशन है ऑल में हम क्या देखते हैं हम रीडर और आथर को देखते हैं कि उनका क्या कनेक्शन है ऑल इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पीच वेयर थ्रू इंडिविजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज ईच पर्सन क्रिएट्स अ पर्टिकुलर स्टाइल दैट करेक्टराइज इट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ सोसाइटी यानी फर ऑल में क्या है कि हर एक का अपना एक स्टाइल होता है उसको चूज करने का लॉन्ग में हम क्या करते हैं लॉन्ग इज अ कम्प्लीट सिस्टम ऑफ लैंग्विस्टिक साइंस दैट अलाउज़ टू कन्फ्यूजर एंड डिटर्मन द यूज ऑफ ग्रामर फोनोलॉजी एंड वोकेबलरी दिस सिस्टम इज़ कन्वेंशनल एकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेटिव नीड्स ऑफ सोसाइटी अब लॉन्ग में हमने ख़ास जो हमारे ग्रामर के रूल्स होते हैं हमारी ख़ास जो वोकेबलरी इस्तेमाल होती है किसी भी सेंटेंस में हम उसको फॉलो करते हैं यानी अगर हम ग्रामर की बात करते हैं एक सिंपल एग्ज़म्पल ले लेते हैं उसमें ख़ास एक स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का पॉजिटिव है तो उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होगा आप वैसे ही बनाएंगे नेगेटिव है तो उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ आना चाहिए ऑब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए इसी तरीके से इंट्रोगेटिव है तो उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होगा कि हेल्पिंग वर्ब कब आना चाहिए सब्जेक्ट कब आना चाहिए वर्ब कब आना चाहिए और ऑब्जेक्ट कब आना चाहिए तो लॉन्ग में आप इन तमाम चीज़ों को क्या करते हैं फॉलो करते हैं इनसे वायोलेट नहीं कर सकते हैं नाउ वी मूव टू वर्ड फर इन थ्योरी ऑफ साइन इनसोसियोज थ्योरी ऑफ लैंग्विस्टिक्स द सिग्निफायर इज द साउंड एंड द इज द थाट द लैंग्विस्टिक साइन इज नीदर कंसेप्चुअल नार फॉनिक नीदर थाट नार साउंड रादर इट इज द होल ऑफ द लिंक दैट यूनाइट साउंड एंड आइडिया सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड फॉरिन एंड डिसोसियो का जो साइन की थ्योरी है उसमें हमारे पास दो चीजें हैं एक सिग्निफायर है और दूसरा सिग्निफाइड है सिग्नीफायर को हम सिंपल वे में कहें तो ये साउंड है जब हम किसी चीज को वर्ड को अटर करते हैं जस्ट लाइक बुक बुक का आपका क्या है सिग्नीफायर है जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं अब जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो इसका एक इमेज बन जाता है कि वट टाइप ऑफ शेप अ बुक इज कि बुक किस शक्ल की होती है तो वो जो आपके माइंड में इमेज बनेगा जो थॉट बनेगा दैट इज़ कॉल्ड सिग्निफाइड अब ये जो साइन है इनका कोई लिंक नहीं होता है ये कंसेप्चुअल नहीं होते हैं ये सोशल जो इंटरेक्शंस होते हैं किसी भी सोसाइटी में किसी भी वर्ड का जो नेम है उसका नेम और उसकी शेप और उसका कलर इसमें कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता है पार्ट्स ऑफ साइन द लिंग्विस्टिक साइन कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स सबसे पहले हमारे पास साइन होता है और इस साइन के हमारे पास दो पार्ट होते हैं क्या चीज होता है एक सिग्निफायर है और दूसरा सिग्निफाइड है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सिग्निफायर आपका वर्ड है जब आप उसको प्रोनाउंस करते हैं ठीक है जो सिग्निफाइज करता है जस्ट लाइक like अगर मैं चेयर प्रोनाउंस करती हूँ तो ये वर्ड है ये सिग्निफायर है अब जो चेयर का इमेज आपके माइंड में बनेगा इसको हम कॉन्सेप्ट कहेंगे और ये ऑब्जेक्ट होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो चेयर है जिसको मैंने प्रोनाउंस किया है वर्ड यूज़ किया है ये किस किस्म की होगी इसकी शेप क्या होगी तो वो जो इमेज बनेगा वो जो थॉट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं सिग्नी फाइट कहते हैं देन देयर इज़ एन अदर एग्जाम्पल साइन क्या है साइन आपका ऑब्जेक्ट है जैसे आपके सामने आपको रेड कलर का एप्पल नज़र आ रहा है ठीक है अब जो वर्ड एप्पल है इसकी जो साउंड है और जो इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जो इसका इमेज है इसकी जो शक्ल है ये क्या है सिग्नीफायर है जब आपके सामने वर्ड एप्पल प्रोनाउंस किया जाएगा खाली वर्ड जो है वो क्या है सिग्नीफायर है ठीक है ख़ुद चीज़ जो है वो साइन है ऑब्जेक्ट खुद अगर आपके सामने एप्पल रखा हुआ है तो ये क्या है साइन है जब आप के सामने एक इसका इमेज बनाया बनेगा कि एप्पल किस शक्ल का होता है उसका रंग कैसा होता है उसका साइज़ कितना होता है वो क्या है मेंटल कॉन्सेप्ट है कि ये जो एप्पल है ये क्या है ये किस लिए है एप्पल क्या है जब आपके माइंड में बनेगा कॉन्सेप्ट फ्रूट आएगा फ्रेशनेस टेम्प्रेशन एट्सट्रा तो फिर से बता दूं आपको कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उसका साइन जो ऑब्जेक्ट है चीज़ खुद बजाते वो साइन है ठीक है जब हम उसको वर्ड प्रोनाउंस करते हैं वो सिग्निफायर होता है जब आपके माइंड में उसका कॉन्सेप्ट बनता है तो वो सिग्निफाइड होता है अब देखें सिग्निफायर एक ही होगा साउंड एक ही होगी वर्ड एक ही होगा लेकिन जो सिग्निफाइड होता है वो डिफरेंट हो सकता है अगर आप किसी के सामने एप्पल प्रोनाउंस करते हैं तो हो सकता है कि किसी के माइंड में ग्रीन एप्पल हो किसी के माइंड में येलो एप्पल हो किसी के माइंड में रेड एप्पल हो किसी के माइंड में उसके साइज़ का फर्क हो किसी के माइंड में छोटा एप्पल हो किसी के माइंड में बड़ा एप्पल हो तो ये क्या है ये आपका मेंटल कॉन्सेप्ट है और ये सिग्निफाइड है सिग्निफायर एक ही होता है लेकिन सिग्निफाइड जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है या इसी तरीके से आपके सामने प्रोनाउंस किया जाए रोज़ अब रोज़ का क्या मतलब है गुलाब का फूल अब रोज़ देखें डिफरेंट काइंड्स के होते हैं सिग्निफायर तो एक ही है रोज़ है लेकिन जो उसका सिग्निफाइड होगा उसका जो मेंटल कॉन्सेप्ट होगा वो डिफरेंट होगा अगर आप दस लोगों को कहते हैं रोज उनके सामने तो हर पर्सन के माइंड में उसका जो मेंटल कॉन्सेप्ट होगा वो डिफरेंट होगा हो, हो सकता है कि किसी के माइंड में रेड रोज हो किसी के माइंड में येलो हो किसी के माइंड में वाइट हो किसी के माइंड में पर्पल हो तो चूंकि इसके पास जो रोज है हमारे पास उसके पास उसके हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएशनस हैं तो सिग्निफाइड जो है वो डिफरेंट हो सकता है और होता है ठीक है लेकिन सिग्निफायर एक ही होता है नेक्स्ट हमारे पास ट्री है ये हमारे पास क्या है खुद बजाते खुद ट्री जो ऑब्जेक्ट है ये साइन है सिग्निफायर क्या होगा जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे इसकी फिज़िकल जो आपके पास इमेज है सिग्निफाइड क्या है कि आपके माइंड में इमेज बन जाएगा अब ट्री के साथ भी वही वाला केस है ट्री जब आप बोलेंगे तो किसी के माइंड में टॉल ट्री होगा किसी के माइंड में शॉर्ट होगा ठीक है किसी के माइंड में बहुत ही बिग होगा किसी के माइंड में कुछ और ट्री होगा किसी के माइंड में कुछ और ट्री होगा तो ये क्या होगा सिग्निफाइड जो है वो डिफरेंट हो सकता है नेक्स्ट हमारे पास है द रिलेशन बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड इज आरबिट्रेरी विच मीन्स दैट देयर इज नो एंट्रेंजिक आर नेचुरल रीज़न वाई आ पर्टिकुलर फॉर्म सिग्निफाइज अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यानी जो वर्ड है और उसका जो इमेज है ये आर्बिट्रेरी होता है यानी yani, ये नेचुरल नहीं है अगर नेचुरल हो तो फिर हर जगह सिमिलर हो सिमिलर से क्या मुराद है कि अगर हम एप्पल कहते हैं इंग्लिश में इसी तरीके से हम उर्दू में इसे सेब कहते हैं किसी और लैंग्वेज में इसका कोई और नाम होगा तो नेचुरल अगर इसका होता नाम नाम का अगर ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक़ होता तो फिर हम सेब कह रहे हैं तो फिर हर जगह सेब होता अगर हम एप्पल कह रहे हैं तो हर लैंग्वेज में इसका नाम एप्पल होता ऐसा नहीं है ये लॉजिकल या नेचुरल नहीं है बल्कि डिफ़रेंट जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट नाम दिए हैं जस्ट उनको ऐसे समझ लें कि हमने उनको रेकगनाइज़ करने के लिए चीज़ों के नाम रखे जाते हैं जो वो चीज़ है और उस चीज़ का जो नाम है उसके दरमियान कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है अगर हम टेबल इंग्लिश में कहते हैं और उसी टेबल को उर्दू में हम मेज़ कहते हैं तो उस मेज़ का और उस की जो शेप है उसमें कोई कनेक्शन नहीं है लॉजिकल कनेक्शन नहीं है अब इसी तरीके से अगर हमारे सामने टीचर का वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है तो जब हम टीचर कहेंगे तो हमारे सामने एक इमेज बन जाएगा कि टीचर का क्या इमेज होता है टीचर होगा तो वो क्लास में होगा उसके साथ जो है वो वाइट बोर्ड भी होगा उसकी ख़ास एक ड्रेसिंग होगी उसके हाथ में बोर्ड मार्कर होगा या वो कुछ पढ़ा रहा होगा या फिर बोर्ड पे कुछ राइट कर रहा होगा तो ये जो इमेज बनेगा हमारे सामने ये क्या कहलाता है सिग्निफाइड कहलाता है ओके डियर लिसनर्स एंड व्यूवर्स दिस वाज टूडेज लेक्चर रिगार्डिंग फॉरिन एंड डी सोशियोथ थ्योरी ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड लॉन्ग एंड फॉर Inshallah we will see in the next lecture till then Allah Hafiz